और अब खबर मिल रही है सुकमा से, जहां पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बड़ी सफलता, पुलिस को हाथ लगी है। सुकमा में भारी बारिश के बीच पुलिस की मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए, जिसके बाद डीआरजी के जवान भारी बारिश के बीच नक्सलियों के शव लेकर कोंडा थाना पहुंचे। आपको बता दें डीआरजी के जवान लगातार 15 घंटों से सर्चिंग पर थे, जबकि पिछले 4 दिनों से पूरे जिले में लगातार भारी बारिश हो रही थी। बावजूद इसके सभी जवान शवों को लेकर घटनास्थल से सफलतापूर्वक थाने पहुंचे। नक्सलियों के पास से 12 बोर की बंदूक, 1 देसी गन, 30 किलो जिलेटिन, बैटरी और भारी मात्रा में आईईडी बरामद हुआ है। नक्सली शहीदी सप्ताह